बिग बॉस सीजन 14 पे एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। आपको बता दें कि जो कैरी मिनाटी है, कैरी मिनाटी अजय नागर, कैरी मिनाटी भी बिग बॉस के घर में एंट्री करने वाले हैं। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि जितने भी कंटेस्टेंट हैं, जो 14 कंटेस्टेंट हैं, उन सबको क्वारंटीन किया गया है मुंबई के एक होटल में। और आपको बता दें कि सबका मेडिकल टेस्ट भी हुआ है, और जब वो एंट्री करेंगे बिग बॉस के घर में तो उससे पहले उनको क्वारंटीन किया गया है। जी हाँ, इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इस शो में, अब इस सीजन में, तीन यूट्यूबर्स भी आएंगे। तीन ऐसे फेमस यूट्यूबर्स हैं जिनकी एंट्री होगी बिग बॉस में। इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि जिस होटल में वो तीन यूट्यूबर्स हैं, उसी में जो चौथे यूट्यूबर हैं वो कैरी मिनाटी हो सकते हैं। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो कैरी मिनाटी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, वी ऑल नो दैट कि कैरी मिनाटी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की जो उनकी जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें कैरी मिनाटी ने काफ़ी जल्दी, इतनी जल्दी उनके जो सब्सक्राइबर बढ़े थे, लाइक आप लगा लें कि 1 करोड़ सब्सक्राइबर उनके विद इन 1 मंथ में उन्होंने गेन कर लिए थे। और इस कंट्रोवर्सी से कैरी मनाटी सोशल मीडिया पर पूरा छा गए थे। जी हाँ, उनकी जो वीडियो आई थी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, जो कि डिलीट कर दी गई थी यूट्यूब की तरफ से, तो उसके बाद कैरी मनाटी ने अपना एक रैप सॉन्ग निकाला था। कैरी मनाटी ने एक तरह से जवाब दिया था कि उनकी जो वीडियो है, उनकी जो वीडियो डिलीट की गई है, जिस पर एक तरह से उन्होंने जो लोग उनसे जलते हैं उनके बारे में बोला है, और YouTube के बारे में भी कहीं ना कहीं बोला था कि YouTube कहीं ना कहीं कैरी मिनाटी की जो कमाई है खा गए हैं। जी हाँ, खा गए हैं कमाई। सो आपको बता दें कि कैरी मिनाटी की जो फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और अब कैरी मिनाटी बिग बॉस के सीजन 14 में एंट्री लेने वाले हैं, ऐसी खबरें आ चुकी हैं। आपको ये भी बता दें कि अक्टूबर 1 को एक प्रीमियर शूट होगा। सलमान खान एक प्रीमियर शूट करेंगे जिसमें ये यूट्यूबर्स, जितने भी कंटेस्टेंट हैं, ये सब उस प्रीमियर में जाएंगे। जी हाँ, और उससे पहले 14 दिन का जो क्वारंटाइन पीरियड जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो निकाल रहे हैं, किसी होटल में हैं, वो अपने आपको क्वारंटीन किया हुआ है। जी हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए।